आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू नॉट डिस्टर्ब के बारे में, मतलब कि आप अपने फ़ोन के अंदर DND कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और DND का क्या यूज़ होता है। तो वीडियो के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, सिंपल सिंपल जस्ट आपने जो कि आपको देखने और फॉलो करने। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आप जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हम साइन और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे गाइस आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे और भी ऑप्शन मिलेंगे। एडिशनल सेटिंग के अंदर जाएंगे तब भी यहाँ पे हमको DND देखने को नहीं मिलता। तो DND के लिए गाइस यहाँ पर हम थोड़ा बैक आते हैं। एक्चुअली क्या होता है गाइस, पहले हमको DND इसी के अंदर देखने को मिलता था, बट अब देखने को नहीं मिल रहा, तो यहाँ से हम थोड़ा बैक हो जाता है। ओके, बैक हो जाते हैं। बैक हो जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, बट हमें आ जाएंगे एडिशनल सेटिंग के अंदर। एडिशनल सेटिंग के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे भी आपको DND का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल तरीके से सर्च कर लेते हैं DND। ओके, तो चलिए गाइस यहाँ से हम करते हैं सर्च। ओके, यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको आना है और यहाँ पे हम देखेंगे कि DND नाम से है फिर किसी और नाम से है। तो DND हमने सर्च तो किया है तो फिर मिल गया। तो ये साउंड के अंदर है बट आई थिंक मेरे को दिखा नहीं है। हम साउंड के अंदर चले जाते हैं DND। तो यहाँ पे साइलेंट मोड गाइस रेगुलर है आपका, ठीक है। और यहाँ पे हम DND पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से गाइस आपके सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे अलाउ इनकमिंग कॉल्स। अगर आप चाहते हैं इनकमिंग कॉल्स आएँ तो गाइस, अगर आप कॉन्टैक्ट ऑनली पर रखेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर जो नंबर 7 की कॉल आपको आ जाएगी, फ्रॉम एनी में रखेंगे सब लोगों की कॉल आपको आएगी, नन पे क्लिक करेंगे तो किसी की कॉल नहीं आएगी, ठीक है। नोटिफाई अबाउट रिपीट कॉल्स, अगर आपको लोग बार बार रिपीट करते हैं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको सेम बंदा दोबारा कॉल करता है तब आपका फ़ोन साइलेंट नहीं रहेगा, रिंग कर जाएगा। ओके, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आपकी बंद रहेगी, आपको नोटिफिकेशन भी देखने को नहीं मिलती है। इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं टाइम के हिसाब से, जैसे कि कैसे आप शेड्यूल कर सकते हैं डेट एंड टाइम के हिसाब से, कैसे इसको रात के क्या बजे तक स्टार्ट रखना है, बीक एवरी डे फ्रॉम टू साइलेंट, ये सारा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि बीक ऑफ द डे एवरी डे रखना है, क्या बजे से कितने बजे रखना है, इस तरीके से आप इसको ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ सबका टाइमर लग जाएगा। तो गाइस आई होप कि आप डू नॉट डिस्टर्ब आप समझ चुके होंगे कैसे इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।